तो जब भी स्पीड बढ़ेगा ये ऐसे फैलेंगे और स्पीड कम होएगा ऐसे सिकुड़ जाएंगे। तो बहुत सिंपल मैकेनिज्म है लेकिन बहुत कमाल का है। Hey guys, welcome to the channel और उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जैसे आपने थंबनेल में देखा, टाइटल में देखा है, तो आज हम करने वाले हैं एक्टिवा के क्लच की सर्विसिंग। थोड़ी आवाज़ आ रही है तो मैंने कभी दिखाई नहीं, मेरे पास एक एक्टिवा भी है, वही सबसे नई गाड़ी है, 2 साल पुरानी है अपनी। तो काशी तो 4.5 साल हो गया उसको। तो अभी हम जा रहे हैं गराज पे क्लच की सर्विसिंग करेंगे और चलो फिर वहीं पे मिलते हैं। तो गाइस हम लोग गराज पे आ चुके हैं और ये रही अपनी एक्टिवा। तो अभी हम इसी का क्लच खोलने वाले हैं क्योंकि क्लच से कुछ आवाज़ आ रही है। तो अभी हम लोग खोलते हैं फिर देखते हैं एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है। गाइस अभी ये जो देख रहे हैं ये एग्जैक्टली ये जो क्लच का केसिंग है ये खुला जा रहा है। ये केसिंग के पीछे ही क्लच होता है। सो गाइस आप ये जो देख रहे हो ये बेसिकली इसको कूलर बोलते हैं। मतलब जैसे मूविंग पार्ट है उसको लॉक करने के लिए, अगर कोई नट बोल्ट खोलना है एक मूविंग स्पिंडल का, तो उसको लॉक करने के लिए ये कूलर का इस्तेमाल होता है। अलग अलग गाड़ी के अलग अलग कूलर होते हैं, किसी के मैग्नेट कूलर होते हैं, किसी के कुछ दूसरा कुछ कूलर रहता है, कोई बेयरिंग कूलर होता है। तो वैसे ही ये कूलर है, अभी इसने लगाया है, अभी आप देखेंगे। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से ये खुल गया क्योंकि ये कूलर लगाने की वजह से। अब ये पीछे वाला कूलर है आप देख सकते हो। तो बेसिकली ये मूविंग पार्ट्स को लॉक करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अभी देखो कितने आसानी से ये नट भी खुल गया। तो आप ये देख सकते हो, तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे ये तीन है, 1, 2 और 3। जैसे यूजुअली ड्रम ब्रेक में जो लाया शू होते हैं, ब्रेक शू होते हैं, ये वैसी है। बट ये एक क्लच का काम करते हैं। ये जब ये असेंबली खोलेंगे तभी हम आपको बताएंगे ये कैसे काम करता है। तो गाइस ये है क्लच का ड्रम है, ये जो मैंने इसको असेंबली दिखाई है उस पर घूमता है गोल, और जो क्लच लॉक होते हैं जो शू वो इसी में होते हैं और गाड़ी आगे जाती है। राकेश भाई है तो राकेश के पास हम फिर से आए हैं हमेशा की तरह। तो गाइस जिनको मालूम नहीं है फिर से बताना चाहता हूँ कि एक ज़माने पहले मैं और राकेश हम लोग साथ में गराज चलाते थे। तो काफ़ी पुरानी दोस्ती है हमारी, मतलब अभी मैं गिनती भूल गया इतनी पुरानी है। तो भाई गाइस बेसिकली ये जब जितने पार्ट्स अभी निकले हैं ये उसको क्लीन करा ब्रश से। तो ये जो पार्ट्स होते हैं ये एस्बेस्टोस के होते हैं, तो ये जब ही मूव होते हैं तो इसमें से काफ़ी सारा इसका डस्ट है ना इधर उधर फैल जाता है, जो अभी ये साफ़ हो रहा है। तो गाइस आप ये जो देख रहे हो इसे बेंडेक्स कहा जाता है। ये स्टार्टर मोटर जो है उसके आगे ये फिट होता है, मतलब जब ये स्टार्टर मोटर आप क्रैंक करते हो तो ये जो पार्ट है देखो ये दिखा रहा है, इसको घुमा बोल, देखो ये आगे आ गया, ये पीछे गया, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। तो जब ये स्टार्टर आप जब क्रैंक करते हो तो ये जाके गियर में इंगेज होता है और आपकी गाड़ी को स्टार्ट करता है। गाइस ये अभी क्लच असेंबली खोल रहे हैं। आप बोलोगे ये तरीके काफ़ी रॉ है लेकिन ये दिस इज़ हाउ इंडिया में ऐसे ही काम होता है अनलेस आप सर्विस सेंटर जाते हो। बट इससे कोई नुकसान नहीं है, किसी भी पार्ट को कोई नुकसान नहीं होता है। तो देखो ये खुल गया अपना क्लच असेंबली, ये है क्लच शूज, ये इसको
क्या बोलते हैं प्रेशर प्रेशर देने के लिए ये स्प्रिंग है। तो इसको आप पुली पुली भी बोल सकते हो। तो ये स्प्रिंग निकाल रहा है जो ये क्लच शू को खींच के रखता है असेंबली के अंदर। आपको मैं बताता हूँ ये काम एग्जैक्टली कैसे करता है। तो ये जैसे मैंने बताया ये लॉक्स है। ये लॉक क्या काम करता है, ये जो स्टड्स है जिसमें ये क्लच शू फंसे हुए हैं उसको एक जगह पे पकड़ के रखने के लिए वो लॉक है ताकि वो बाहर ना निकले। अब ये शू इसने निकाले हैं पूरे फैला दिए। तो गाइस आप देख सकते हो ये स्प्रिंग निकालने के बाद जो टेंशन वाला स्प्रिंग है वो निकालने के बाद ये शू पूरे फैले हुए हैं। तो मैं आपको बताता हूँ ये काम एग्जैक्टली कैसे करता है। जब ये गाड़ी स्पीड में होती है इंजन इसको घुमाता है स्पीड में तो ये फैल जाते हैं। और ये जब ये फैल जाते हैं तो जो मैंने आपको ड्रम दिखाया ना जिसके इसके गोल घूमता है ये उसमें लॉक होते हैं और फिर इसके वजह से गाड़ी आगे जाती है। जब भी गाड़ी का स्पीड कम होता है ये वापस ऐसे सिकुड़ जाते हैं। तो जब भी स्पीड बढ़ेगा ये ऐसे फैलेंगे और स्पीड कम होएगा ये ऐसे सिकुड़ जाएंगे। तो बहुत सिंपल मैकेनिज्म है लेकिन बहुत कमाल का है। जब गाड़ी स्पीड होता है ये फैल जाते हैं। तो गाइस तो अभी ये निकाला है ये जैसे आपका ड्रम ब्रेक में ये शू होता है ना ये वैसे ही है बस वो दोनों तरफ उसमें लॉक होता है। इसको एक ही तरफ है ताकि ये ऐसे बाहर फैले। और ये जो चीज़ है ये अभी भी एस्बेस्टोस का बनता है पता नहीं लेकिन पहले ये एस्बेस्टोस का बनता था। और एस्बेस्टोस आपको मालूम है कितना सारा कितना खतरनाक है उसकी जो डस्ट है जिसके वजह से काफ़ी सारे लोगों ने कैंसर होता है ये भी प्रमाण है ऐसे साइंटिफिकली। तो लेकिन अभी मालूम नहीं है एस्बेस्टोस का बनता है कि नहीं। वैसे अभी क्लीनिंग चल रही है सब पार्ट्स की जितने मूविंग पार्ट्स है इसको इसकी क्लीनिंग चल रही है। फिर से इसको थोड़ा ग्रीसिंग वगैरह करेंगे और ये हम फिर से इसको फिट करेंगे। तो मुझे क्या लगता है कि अभी गाड़ी को 2.5 साल होएंगे मतलब 2.5 साल पूरे नहीं हुए अगले महीने 2.5 साल पूरे हो जाएंगे गाड़ी को और इसका क्लच एक बार भी नहीं खुला। तो क्लच की सर्विसिंग बीच बीच में होनी ज़रूरी है। और वैसे ही हमारी गाड़ी की ज़्यादा रनिंग होती नहीं है मतलब मैं लोकली चलाता हूँ और जब भी दूर जाना है तो आपको मालूम है मेरे पास काशी है उसी पर मैं दूर जाता हूँ। तो चलो इसी बहाने आवाज़ आ रहा था इसी बहाने क्लच की भी सर्विसिंग हो जाएगी। तो दोस्तों अभी राकेश भाई अपना सब क्लीनिंग चल रहा है। ये जो स्टड्स है जो ये प्लेट पे लगे हुए हैं जिस पे ये क्लच शू बैठता है उसको वो साफ़ कर रहा है क्योंकि उस पे ऑक्सीडाइजेशन की वजह से थोड़ी मिट्टी विट्टी वह सब आ जाती है और वो शू खुलने में कभी तकलीफ होती है और शायद से उसके वजह से भी आवाज़ आती रहेगी। आप देख सकते हो राकेश भाई की टोपी साउथ अफ्रीका से आई है। ऑटो बंदा भी साउथ अफ्रीकन है और टोपी भी साउथ अफ्रीकन है। तो गाइस अभी और तेल के कुएं से पेट्रोल निकाला जा रहा है। तो गाइस अभी ये पेट्रोल से ये सब पार्ट्स अभी क्लीन किए जाएंगे मतलब पुली और शूनी किया जाएगा बाकी जो है इसे एग्जैक्टली क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं है काफ़ी लेकिन इसी में बेल्ट फंसता है और ये मतलब जो क्रैंक होता है इंजन का ये क्रैंक में क्रैंक का एक तरफ का स्पिंडल है जिसमें ये लगता है और यही खींचता है पुली को। तो गाइस राकेश भाई ने अभी बताया मुझे कि इसको रोटर कहते हैं इसको रोटर कहते हैं फिर भी हम इसको एक बार चेक कर लेंगे इसका एग्जैक्ट नाम क्या है लेकिन तब तक हम इसको रोटर बोलेंगे। तो ये है पुली जिस पर क्लच असेंबली बैठती है वो साफ हो रहा है अभी। तो ये हमारे गोविंद भाई हैं ये इलेक्ट्रिक का काम करते हैं और मतलब मेरे घर का जो इलेक्ट्रिकल का काम है इन्होंने किया था जब ही हमने काम किया था। और पिछले बार मैंने जो दिखाया था जो पिछले बार जो मैंने बताया था ना ये चंबल से आया है ये उसी का भाई है वो अभी गया है गांव
भाई लगता है कि ये चंबल से है, देखो कितना खूबसूरत है ये, तो देखो तो गाइस ये अभी असेंबली फिर से फिक्स हो रहा है और ये आप देख रहे हो ये जो स्टड्स है जिसपे शू माउंट होता है क्लच शू उसको ऑयल डाला जा रहा है ताकि इसका मूवमेंट स्मूथ रहे, लुब्रिकेशन हो। आप देख सकते हो कितना स्मूथ जा रहा है क्योंकि जब भी हमने निकाला इसको थोड़ा सा खींच के निकालना पड़ा, घीस घीस के निकालना पड़ा। आप ये देख रहे हो ये रबर्स है, ये बेसिकली डैम्पर्स है, मतलब ये जब भी फैल के वापस आके बैठता है तो इसका आवाज नहीं आना चाहिए, ये आराम से ये रबर पे आके, ये बुश है मतलब रबर के बुश है, इस पर आके ये चिपक जाता है और आवाज नहीं आता है। स्प्रिंग के ऊपर कलर होता है, ये स्प्रिंग लगा रहे। देखो आपको ऐसा लगता रहेगा ये काफ़ी आसान है लेकिन ये आसान नहीं है, ये एक्सपीरियंस के साथ आता है कि आप सोचोगे कितनी आसानी से स्प्रिंग लगा दिया, लेकिन ये स्किल सेट है जो टाइम के साथ आता है। आप सोचोगे आज मैं सोचूंगा और मैं करूंगा तो वो ऐसा नहीं, आपको काफ़ी बार ये करना पड़ेगा तभी ये स्किल सेट आपको आएगा। तो अभी ये जो तीन लॉक है ये अभी लगेंगे इस पर, भी काफ़ी सिंपल है लगाने का और निकालना भी सिंपल है, अब बस टेक्निक होनी चाहिए। देखो क्लिक 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 हो गया, अभी इसी तरह बाकी के तीन भी लगाए जाएंगे। गाइस अभी ये क्लच असेंबली वेरिएटर या पुली उस पर ये फिक्स हो रही है, ये लगाना भी एक टेक्नोलॉजी टास्क है, मतलब अगर नया बंदा रहेगा तो ये नहीं लगा पाएगा, लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगा कि हार्ड है लेकिन इजी भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये लोखंड का ब्लॉक जो है ये गोविंद भाई का है, तो गाइस क्लीनिंग वगैरह सब पूरा काम हो गया, अभी असेंबली का टाइम आ गया, तो अभी ये हम लोग का क्लच जो हमने खोला है तो ये क्लच को असेंबल करेंगे और फिर मैं आपको आगे दिखाता हूँ। मुझे ब्रेक शू भी देखने हैं क्योंकि काफ़ी आवाज़ कर रहे हैं, तो देखते हैं टाइम रहेगा तो ब्रेक शू भी खोलेंगे आगे फ्रंट और रेयर का, और इसमें ड्रम है, ड्रम ब्रेक है, डिस्क ब्रेक नहीं है, तो उसको खोल के उसमें भी देखेंगे, शायद से उस पर भी काफ़ी सारा एस्बेस्टोस की मट्टी, जो शू का जो मट्टी होता है वो निकलता है और वो उधर ही चिपक के उसकी आवाज़ आती है। तो गाइस थोड़ी सी गलती होगी, ये जो हो रहा है फिटिंग इसको बोलते हैं वेरिएटर, जिसको हमने रोटर बोला था पहले, तो इसको वेरिएटर कहते हैं, और जो बाकी का जो था जिस पे क्लच असेंबली बैठती है उसको पुली बोलते हैं। ये आप जो देख रहे हो ये एग्जैक्टली फैन है, ये क्या करता है ये हवा है ना क्लच के अंदर खींच के उसको ठंडा रखता है। वैसे अभी फिर से ये पुलर एंगेज किया है गियर में और इस नट को अभी टाइट किया जाएगा, ये पुलर की वजह से काफ़ी आसानी होती है बोल्ट नट और बोल्ट को टाइट करने में। वैसे अभी ये क्लच असेंबली है पुली के साथ, ये इसके जो अंदर इसकी बैरिंग होती है क्या बोलते हैं उसको, कौन सी बैरिंग बोलते हैं, रोलर बैरिंग हाँ, तो ये रोलर बैरिंग होती है, अलग अलग टाइप के बैरिंग्स होते हैं, इसके अंदर रोलर बैरिंग बैठती है, उसी में उसने ऑयल डाल दिया थोड़ा। काफ़ी दिन हो गया ना ये सब, अभी काम छोड़ दिया ना मैंने, तो बहुत सारे नाम थोड़े तकलीफ होते हैं याद करने में। अब ये असेंबली पुली के साथ बैठ रही है, अब बोलोगे ऐसा क्यों डाल रहा है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं डालेगा तो ये उसका जो स्पिंडल है गियर बॉक्स का वो मैच नहीं होएगा उसमें। आप बोलोगे गियर बॉक्स, हाँ इसमें एक गियर बॉक्स होता है छोटा सा जिसपे गियर मूव होते हैं, मतलब आगे वाली जो वेरिएटर है वो
वो इंजन के स्पिंडल को रहता है, और पीछे वाला जो क्लच असेंबली है ये गियर के स्पिंडल पे बैठता है। देखो कितनी आसानी से बैठा है। तो गाइस जैसे मैंने कहा कि ये काम के लिए आपको काफ़ी सारा टाइम डालना पड़ता है और तभी आता है, दिखने में काफ़ी आसान लगता है लेकिन ये इतना आसान है नहीं। ये है क्लच ड्रम जो अभी क्लच असेंबली के ऊपर बैठेगा। जब ये क्लच फैलता है तो ये इसी में फंस के गाड़ी आगे खींचता है। तो ये क्लच का ड्रम अभी फिक्स हो गया, अभी इस पर नट लगाया जाएगा और उसको कसा जाएगा विद द हेल्प ऑफ अ कूलर। ये पूरा क्लच की अभी फिटिंग हो गई है। अभी इस पर क्लच की जो केसिंग होती है, इंजन की केसिंग होती है इस तरह की क्लच साइड की, वो फिट हो जाएगी। तो ये जो पीस आप देख रहे हो, मैंने जो पहले बताया था आपको, जो बेंडेक्स है जो स्टार्टर मोटर के आगे बैठता है जो इंजन को स्टार्ट करता है, ये उसी का, ये बेंडेक्स का कवर है। तो ये बेंडेक्स है, इसमें WD-40 मारा है। ये WD-40 मैं घर से लाया हूँ, मैं हमेशा, मुझे लगती है मुझे WD-40 बहुत ज़रूरत पड़ती है। जब भी मैं गाड़ी धोता हूँ तो सबसे पहले सारे स्विचेस में मैं WD-40 मारता हूँ ताकि उसमें ऑक्सीडाइजेशन ना हो और स्विचेस अच्छी तरह से काम करें। अभी ग्रीस जिस चीज़ पे ये लगा रहा है वो है स्टार्टर मोटर। इसके जो बाजू वाला जो होल है इसमें बेंडेक्स लगेगा। ये बेंडेक्स के ऊपर का कवर लग गया, केसिंग इसका, अभी क्लच का केसिंग लगेगा वहाँ पर पड़ा है। अभी ये क्लच की केसिंग को ये होस पाइप जिससे हवा आती है अंदर वो फिक्स कर रहा है, टाइट कर रहा है उसको। ये जितने सारे बोल्ट लगने वाले हैं ये केसिंग पे, इसके जो होल्स है जिसमें ये ग्रीस डाल रहा है ताकि जब ये बोल्ट फिक्स होए तो बोल्ट के साथ ये ग्रीस है ना, ये जो थ्रेड्स है ना इसके अंदर जाए ताकि अगले बार हम जब खोले तो वो खोलने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, स्मूथली खुलने चाहिए, उसको ऑक्सीडाइजेशन नहीं होना चाहिए। ये सारे बोल्ट ये केसिंग में फिक्स कर रहा है। गाइस ये सारे बोल्ट 8 के थे, ज़्यादातर सारे इंजन में 8 के ही बोल्ट लगते हैं। अब ये टाइट हो रहा है बोल्ट, और जिस चीज़ से ये टाइट कर रहा है इसको टी स्पैनर कहते हैं, ये टी के शेप का रहता है, इससे काफ़ी आसानी से आप है ना बोल्ट टाइट कर सकते हो, मतलब स्लिप ब्रेक होने का चांस नहीं है। तो गाइस इसका ये जो कवर है ये 3 बोल्ट पे फिक्स होता है, 1, 2 और ये 3, ये 3 बोल्ट खोलोगे तो ये ऊपर आ जाता है। तो बस ये 3 बोल्ट फिक्स हो जाएंगे तो गाड़ी ऑल सेट टू रोल। तो चलो गाड़ी रेडी हो चुकी है, ये आखिरी हाथ मार रहे हैं। सो गाइस राउंड मार के आ चुके हैं, क्लच एकदम स्मूथ हो गया, लेकिन आगे का जो ब्रेक है, आगे का व्हील है, इसमें से काफ़ी आवाज़ आ रही है। तो अभी हम इसको भी खोलते हैं, थोड़ा क्लीनिंग वगैरह करते हैं क्योंकि इसको भी खोल के काफ़ी टाइम हो गया, एक बार भी गाड़ी पंचर नहीं हुई टचवुड, तो कभी खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो थोड़ा उसको भी ग्रीसिंग वगैरह कर लेते हैं। तो दोस्तों घर आ चुका हूँ मैं, गाड़ी का काम पूरा हो गया, एकदम स्मूथ हो गई है गाड़ी, और इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो में क्या आपको अच्छा लगा, क्या अच्छा करना चाहिए, और अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ तो उस बारे में बता दीजिए। तो चलो इसी के साथ टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।